वो किसके चरण सुंदर है बोलो ना, अपनी। देखो एक तो कह रहे सीता जी की, आप लोग पुरुष वर्ग किसके, कौन बोल रहा पुरुष वर्ग किसके चरण सुंदर, सीता के राम के, दाऊ पीछे बैठे हाँ सीता के, तुम भी होने के पक्ष के, वाह सही है भाई, महिला फर्स्ट हाँ कोई बात नहीं हाँ। अच्छा वे कह रहे राम के चरण सुंदर, वे कह रहे सीता के चरण सुंदर, और इधर तो सारे पक्ष सीता के ही भाव उसमें जा रहे हैं कि सीता के चरण सुंदर। इतने में लक्ष्मण जी आ जाते हैं लकड़ियों का गट्ठा लेकर के। अब दोनों की बात सुलझ नहीं रही थी, सुलझ नहीं रही थी दोनों की बात, दोनों अपने अपने में अटक थे। तो दोनों के बीच में कौन बोले एम्पायर आ गया, कौन आ गया निर्णायक आ गया, बोले निर्णय आप करोगे, बोले लक्ष्मण जी इधर आओ, बोले आपको निर्णय करना है, बोले काहे का, बोले हम दोनों के बीच में एक बात हुई है कि मेरे चरण सुंदर कि इनके चरण सुंदर, आपको बताना है किसके चरण सुंदर, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं मेरे चरण सुंदर, ये कह रहे हैं इनके चरण सुंदर, किसके चरण सुंदर आप बताओ, क्योंकि अपने अपने को सारे लोग अच्छा कहते हैं, आप बता दीजिए। बोले माता मुझे इसके चक्कर में ना पड़ो। बोले क्यों, बोले मेरे लिए तो दोनों पूज्य हैं, एक तरफ हुआ है तो एक तरफ, बोलो ना बोलते जाओ, देखो एक तरफ हुआ है तो एक तरफ खाई, इनको कहते हैं तो इनको बुरा लगेगा और उनको कहते तो, और एक हमारे भाई और एक भाभी, अब किसके पक्ष में ले, किसका पक्ष रखे। तो दोनों के बारे में बोले नहीं आपको ये निर्णय करना पड़ेगा, के लिए फंस गए बीच में तो क्या करें अब, कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तो उन्होंने भी तर्क युक्ति लगाई और उन्होंने कहा कि देखो रामचंद्र जी तो वैसे ही कैसे थे, पहले से ही सांवरे, कैसे थे बोलो ना, ऐसे बोलते जाओ, हम अकेले बोलेंगे थक जाएंगे, हाँ तुम ही बोलो, तुम भी थको, हम अकेले क्यों थके, ठीक है ना। तो कैसे थे रामचंद्र जी और सीता जी, हाँ सीता जी गोरी थी, तो सीधी सीधी सी बात थी कि किसके चरण सुंदर। तो लक्ष्मण जी ने भी कहा माता माता आपके चरण सुंदर है, आपके चरण सुंदर। बोले अच्छा, सीता जी का जैसे ही कहा कि सीता जी के चरण सुंदर, सीता जी खुश, सीता जी बड़ी खुश, उछलने लगी बहुत उछली। तो तुरंत लक्ष्मण जी बोले माता अभी इतना मत उछलो, आधी अधूरी बात सुनकर के उछलना नहीं चाहिए, अगर आधी अधूरी सुनी तो फिर बाद में पिटाई हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, आधी अधूरी बातें फंसाने वाली होती है, इसलिए आधी अधूरी बातों में मत पड़ना, क्योंकि आधी अधूरी बातें धोखेदायक हो सकती हैं, इसलिए प्रवचन भी पूरे सुन के जाना चाहिए, आधे सुनकर नहीं जाना चाहिए, आधे सुनकर गए तो फंस जाओगे। इसलिए उधर भी कहा अरे माता अभी आप उछलो मत, अभी तो आधी बात हुई है, थोड़ी सी बात हुई है। बोले क्या रह गया, अब क्या रह गया, मेरे चरण सुंदर के लिए मैं सुंदर हूँ, गोरी हूँ, अच्छी हूँ, इसलिए सुंदर हूँ। बोले नहीं माता आप
सुंदर हैं, आपके चरण सुंदर हैं, लेकिन आपके चरण सुंदर इसलिए हैं क्योंकि आप राम के पद चिन्हों पर चलती है। किस पर चलती बोलो ना, राम के पद चिन्हों पर चलती है इसलिए आपके चरण सुंदर हैं। तो अब रामचंद्र जी के चरण सुंदर हो गए तो रामचंद्र जी चल रहे, वाह मेरे चरण सुंदर, देखा सीता मैंने कहा था मेरे चरण सुंदर हैं। तो सीता जी बोली कि देखो लक्ष्मण जी, आपने तो दोनों पक्ष रख लिए, अपने भाई का पक्ष रख लिया, पहले तो इधर थे अब उधर हो, आप तो दल बदलू लग रहे हो, बिन पेंदी के लोटे लग रहे हो, कभी हमारी तरफ ढक जाते हो और तुरंत भैया की तरफ ढक गए। देखो पहले तो हमें कह रहे थे, अब किसको कहने लगे, भैया की तरफ आ गए, तुमने भैया का पक्ष रख लिया और इधर राम के चरण सुंदर हो गए, तो अब तो राम के अंदर में रहा नहीं गया, राम भी उछलने लगे कूदने लगे, बोले वाह देख मेरे चरण सुंदर, और बड़े प्रसन्न हो रहे, बड़े खुश हो रहे। जैसे ही बारात आई तो बोले भैया राम आप भी नाव चलो इतने ज्यादा, अभी तो आधी बात हुई है, अभी तो अधूरी बात हुई है, और जिसकी प्रशंसा होती है उसका तो 2 किलो खून बढ़ जाता है, 2 किलो खून भगवान से फूल जाते हैं ऐसी कप्पा से। भाई ऐसे ही राम बड़े प्रसन्न हो रहे थे, इतने में कहा अभी आधी बात हुई, बोले क्या रह गया, आधी बात पूरी बात तो हो गई, मेरे चरण सुंदर हैं, बोले नहीं अभी भी आती है, बोले क्या रह गया, बोले सीता के चरण सुंदर हैं क्योंकि वे राम के चरणों का अनुसरण करती हैं, और भैया राम आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आपका आचरण सुंदर है, आपका आचरण सुंदर है इसलिए राम सुंदर हैं। ध्यान रखना यहाँ पर वह देश है जहाँ चरणों की पूजा नहीं आचरणों की पूजा होती है, इसलिए आचरण पूज्यवान है, ये साधु महाराज बैठे हैं, संत बैठे हैं, इनकी पूजा नहीं हो रही है, इनके तन की पूजा नहीं हो रही है, इन्होंने जो इच्छाओं पर कंट्रोल कर लिया है, इनके जो महाव्रत धारण कर लिए हैं, इन्होंने व्रतों को अंगीकार कर लिया है, आचरण को सुंदर बना लिया है, इसलिए उस आचरण की पूजा हो रही है, इनकी पूजा नहीं हो रही है। यह वह देश जहां आचरण की पूजा होती है, चरणों की पूजा नहीं होती है। हम अपना आचरण इतना सुंदर बनाएं, हम अपनी विचारधारा इतनी सुंदर बनाएं, भले ही कोई बैठे हो, भैया इतने बैठे हैं, लेकिन इसमें से आचरण ध्यान रखना, जिसका आचरण अच्छा होता है वे ही लोग इधर आ पाते हैं। आचरण को सुंदर बनाएंगे तो हमारा आचार और विचार भी सुंदर होगा। जैसा खाओ अन्न, बोलो ना, जैसा खाओ वैसा होवे मन, जैसी पियो पानी वैसी होवे वाणी, आचरण ऐसे ही सुंदर नहीं हो जाएगा। अच्छा अच्छा भोजन करोगे, बोले यार आप तो हलवा और पूड़ी आन दो, हाँ तो ऐसा नहीं कि कुछ भी खाते रहो, नहीं अच्छा यानी कि पक्व आहार होना चाहिए, सुपाच्य आहार होना चाहिए, और जो भक्ष है वह आहार होना चाहिए, जो खाने योग्य है सात्विक है वह भोजन होना चाहिए, गलत अभक्ष भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो हमारे अंदर बीमारी हो सकती है, जब गंदा पानी से बीमारी हो सकती है तो अशुद्ध वस्तुएं खाने से भी हमारे अंदर बीमारियां हो सकती हैं, और बीमारी तो बात की बात है मोटे तौर पर है, लेकिन बीमारियों को तो अपन गंदा पानी को छान लेते हैं, साफ कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना और भी चीजें ऐसी हैं जिसे तुम पका करके तो खा लेते हो, लेकिन वे कैसी होती हैं,
जो सदा नुकसानदायक होती हैं। इधर तो बीमारी ये लगेगी कि शरीर खराब होगा, लेकिन आगे चल करके वह कर्म खराब हो जाएंगे, वह विचार खराब हो जाएंगे। शरीर खराब हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन विचार खराब हो गए तो पूरा जीवन ही बेकार हो जाता है। इसलिए विचारों को पवित्र रखना, ताकि तुम्हारे संस्कार पवित्र बने रहें, और संस्कार पवित्र होंगे तो नई पीढ़ी संस्कारित बनोगी, पूरा देश सुधरा हुआ मिलेगा। इसलिए अभक्ष चीजों का त्याग करें, गंदी चीजों का त्याग करें। भैया हम राम की पूजा करते हैं, राम की आराधना करते हैं, राम कभी अभक्ष भोजन नहीं करते थे, वे कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे, कभी गलत चीजों का तंबाकू नहीं खाते थे। क्या नहीं खाते थे? तंबाकू, जर्दा, गुटखा, ये चीजें राम नहीं खाते थे। और हम उनके आराधक होकर के ऐसी गंदी वस्तुओं का सेवन करते हैं, राम हमें अच्छा मानेंगे कि बुरा? राम अच्छा मानेंगे कि बुरा मानेंगे? ध्यान रखना, ना राम ऐसा भोजन करते थे, ना राम अभक्ष्य चीजें खाते थे, और ना ही कृष्ण खाते थे। कृष्ण कहते थे कि दूध पियो असली, और कभी ना खाओ मछली। ऐसी गंदी चीजें, अभक्ष्य चीजें वे नहीं खाते थे, वे तो कहते थे दूध असली पियो। क्या है? यदुवंशी हैं, यदुवंशी होकर के भी और अभक्ष सेवन करें, ठाकुर होकर के भी, ब्रह्म होकर के भी अभक्ष का सेवन करें, उत्कृष्ट कुल में जन्म लेकर के भी निकृष्ट जैसे काम करें, तो ये हमारी सभ्यता नहीं है। हम तो उत्कृष्ट हैं, तो उत्कृष्ट भोजन होना चाहिए, उत्कृष्ट आहार होना चाहिए। गंदी वस्तुएं गंदे लोग खाते हैं, जो गंदी खाते हैं वे गंदे बन जाते हैं। भैया अच्छी चीजें खाएं, ताकि अच्छे विचार उत्पन्न हो, उत्कृष्ट जगह पर बैठ सके। मंदिर में जाने में अच्छे विचार आते हैं, ऐसी मंदिर जैसी जगह पर जाते हैं तो अच्छे विचार आते हैं। मंदिर में जाने के लिए हमें कभी हिचकिचाहट उत्पन्न ना हो जाए, क्योंकि जब अच्छी चीजें खाएंगे तो ऐसी पवित्र जगह पर